ऐसा नहीं है और 25,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का यह है भारतमाला स्कीम में कि आप 1,000 करोड़ रुपए डालिए प्राइवेट पार्टी और बाकी 30% स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगा और 60% बैंक लोन मिलेगा आपको। तो सिर्फ 1,000 रुपए डालेंगे और 10,000 करोड़ के ऊपर ऑन 10,000 करोड़ 10% प्रॉफिट एवरी ईयर उस प्राइवेट पार्टी को मिलता रहेगा। सो रोड ही एक इंडस्ट्री बन गया है, रोड ही एक इंडस्ट्री बन गया। अब रोड डालो, कंट्रोल करो स्टेट को। और ये रोड आने की वजह ये है, अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स विच उदय कुमार अन्ना सेड, दोनों साइड में 2-3 लाख एकड़ जमीन को लेने की योजना है जो कि ऑलरेडी पेपर में उन्होंने लिखा है। एसईजेड और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लाने वाले 2-3 लाख एकड़ साइड का जमीन ले लेंगे एंड दीस आर द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। बहुत फर्टाइल एरियाज में ये रोड्स आ रहे हैं। अभी इसको दबाया कैसे इन्होंने, जैसे हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया प्राइवेट हॉल में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, हॉल वाले को धमकी दिया और मीटिंग कैंसिल करवाया। इट वॉज अ स्टैंडर्ड मेजर। सडनली हुआ यह कि किसी ने कुछ एक स्टेटमेंट बोल दिया कहीं पे, गलत भी होगा स्टेटमेंट या सही भी हो गया, लेकिन मेरे को एवन अक्यूज बना दिया दो केस में बिना संबंध के। आई नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड, दो केस में एवन अक्यूज बना दिया है और अरेस्ट भी हुए हम, थैंकफुली टू द जुडिशियरी बेल मिल गया था। और कल परसों एक केस डाला मेरे पे, एक व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज डाला था कि जो पुराना सेलम उल्दूर पेट रोड जो रिलायंस बनाया है, रिलायंस ने हमारे यहाँ पे सेलम उल्दूर पेट फोर वे लेन बनाया था, जिसके ऊपर उसने फोर वे लेन का तो टोल ले रहा है लेकिन रोड टू वे लेन पे जा रहा है। चार वे लेन का रोड है, टोल फोर वे लेन का ले रहा है रिलायंस वाला, लेकिन टू वे लेन ही उधर जा रहा है अधिकतर बहुत सारे जगह पे, तो डेथ ट्रैप है। और जो फार्मर्स जिन्होंने जमीन दिया था 10 साल पहले, उनको अभी तक कॉम्पनसेशन सेटल नहीं हुआ है। तो उसके बारे में हमने एक वीडियो डाला था, हमको तो लगा बहुत सिंपल सा बहुत हम्बल सा वीडियो है, लेकिन किसी एसआई ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको देखा और तड़प गए भाई साहब, और तड़प के हम पे राइटिंग का केस डाल दिया कि हम राइटिंग उकसा रहे। तो इस हिसाब से तो सारे पुलिस वालों को हम पे केस करना चाहिए। एक ही स्मार्ट पुलिस वाला मिला तमिलनाडु से, हम उसको अवार्ड देने वाले हैं, एक ही ड्यूटी प्रोन पुलिस वाला है। बट एनीवे जोक्स अपार्ट, दिस रिप्रेशन इज बेयरिंग डाउन ऑन द पीपल विद लाइज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स माउथ। बोल रहे 90% काम हो गया है, 90% लोग हमारे साथ में हैं, which is completely upside down of the truth. One thing is that in the High Court they are stating we have not even started the preliminary work. Sundar Rajan's group has filed the case. They are saying we have not started the preliminary work, and the Chief Minister addresses the people saying that 90% works are over. So dimag logon dimag ye hoga ki project is going to come. This project is surely not going to come. We are very confident about it. Whatever repression they do, but thing is that aap सिर्फ पत्थर लगाया, उन्होंने सिर्फ पत्थर लगाया, जो पत्थर लगाने के सर्वे के काम में they have beaten up people, they have insulted farmers, they have dragged farming women, they have dragged old people, they have booked numerous cases, arrested many people, and this is ridiculous. This is ridiculous. आपने environment को, आपने environment की तो धज्जियां निकाल दी है। अभी गडकरी जी ने कल परसों बोला है पोर्ट और एयरपोर्ट के लिए environment clearance नहीं चाहिए। हमने constitution पढ़ा है, थोड़ा तो पढ़ ले यार, थोड़ा किताब किताब लेके पढ़ने की आदत डालें। हमारे ईपीएस आप तो पढ़ते नहीं है, कुछ रामायण को शेखला लिखा बोलते हैं वो, पर ये महापुरुष जो गडकरी जी हैं, जिनके कारण इतना तांडव हमारे सर पे नाच रहा है नेशनल हाईवेज का, जैसे नेशनल हाईवेज आएगा तभी देश का प्रगति होगा, जबकि सेलम टू चेन्नई दो रोड्स परफेक्ट, नॉट इवन परफेक्ट, एक तो रिलायंस का जो घटिया रोड है और एक और एक बड़ा कृष्णगिरी से फोर वे लेन जा रहा है। वी आर इक्विप्ड, वी आर द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं आप सबको बता दूं, सेलम, तिरुपुर, कोयम्बतूर, संगगिरी, ऑल दिस प्लेसेस, करूर, वी आर द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ दिस कंट्री। द कंट्री शुड लर्न डेवलपमेंट फ्रॉम अस, इट शुड नॉट टीच डेवलपमेंट टू अस। लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम हियर, प्लीज लुक एट द पर कैपिटा इनकम ऑफ अवर रीजन। बीजेपी इज ट्राइंग टू टीच अस, इंस्टेड इट शुड लर्न फ्रॉम अस। एंड बीजेपी, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वोट बैंक, इट इज गेटिंग डिफीटेड बाय नोटा। BJP has no opposition party in Tamil Nadu. The only opposition that's Nota. Nota votes are higher than BJP's votes. So it is finding that there are no votes. It is unleashing an experimental mechanism through which it is getting economic gains and also showing to the world as if it is creating development paradigm. Gujarat mein to bhai sahab fail ho chuke hain aur hamare upar experiment kar rahe hain. So attention is drawn. Please look down on south so that the north can learn some lessons. So this